हेलो गाइस, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। नहीं अब तो सिलेबस भी आ गया है दोनों टर्म्स का, राइट? जल्द ही हम सारे चैप्टर्स कवर कर देंगे एंड आप सबको हमारे साथ कोऑपरेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या, फिर आप हमारी वीडियो देखना पेपर के एक दो दिन पहले, एक से दो बार, और फिर आप सबके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब फुल मार्क्स आएंगे एंड आप सब टॉप करोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर मुझे आप सबसे पार्टी चाहिए, एक एक बच्चे से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट। अब आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके देखो। एक जरूरी बात कि पार्ट वन में साहिब वाली स्टोरी थी ना, जो जिसमें एक टेंपल में दो तरह के बच्चे शूज के लिए प्रे करते हैं, तो याद रखना उस जगह का नाम था उडीपी। उडीपी, और जो वो बॉय था ना, प्रीस्ट का बच्चा जो गॉड को प्रे करता है एंड उसे शूज मिल जाते हैं, एंड एंड में वो पता क्या कहता है भगवान से? Suddenness. वो कहता है लेट मी नेवर लूज देम। तो ये थी 40 साल पहले की कहानी। कुछ भी। अब आता है सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। जैसे लास्ट पार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर का नाम था साहिब, बिल्कुल उसी तरह इस पार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है मुकेश, जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ऑल्दो उसे कार्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट फिर भी उसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, उसके साइज से भी बड़े। तो अब अगर हम उसकी फैमिली की बात करें तो वो रहते थे फिरोजाबाद में, जो एक छोटा सा विलेज था, एंड ये जगह ना रंग बिरंगी बैंगल्स के लिए बहुत फेमस थी। अब जो मुकेश की फैमिली थी वो बहुत सारी जनरेशन से ये काम कर रही थी, क्योंकि उन्हें और कोई काम तो आता ही नहीं था। वो सोचते थे कि भगवान ने उनकी डेस्टिनी में ही बैंगल मेकिंग का काम लिखा हुआ है। इस सोच के कारण वो अपने बच्चों को भी इतनी डेंजरस कंडीशंस में काम करने के लिए ले जाया करते थे। मुकेश की फैमिली एक बहुत ही ज्यादा तंग और गंदी जगह पर रहते थे, जहां हर तरफ कूड़ा फैला होता था, डोर्स इतने शेकी थे, और एक छोटे से घर में इतने सारे लोग रहते थे। आप खुद ही सोच लीजिए इन बेचारों की लाइफ कितनी पैथेटिक होती होगी। बट उससे भी ज्यादा पैथेटिक थी उनकी वर्किंग कंडीशंस, जहां पर उन्हें इतने अंधेरे में काम करना पड़ता था। कईयों की तो आईसाइट तक चली गई थी, कांच के टुकड़े उनकी आंखों में चले जाते थे, जिसके कारण उनकी आईसाइट चली जाती थी बेचारे। फिर भी वो बहुत टाइम से ये काम कर रहे थे, ये सोचकर कि भगवान ने उनकी किस्मत पे बैंगल मेकिंग लिखी हुई है। अब इनकी सोच को कौन बदले? पर जरा एक सेकंड, अंधेरे में तो दिन में क्या करते होंगे ये लोग? इलॉजिकल। चल अभी कहाँ? अभी फिर से सोने? ठीक है, जैसा आप कहे। अरे लाने जा। लो, कोई ना, आगे देखते हैं क्या हुआ। तो मुकेश जैसी ही एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था सविता, जो उसकी तरह बैंगल्स का काम कर रही थी, पर शायद ही उसे उन रंग बिरंगी बैंगल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता था कि वो बड़े होके उसके सुहाग का सिंबल बनेंगे वो बैंगल्स। पर अफसोस, उसने ये काम करके आज तक एक टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं खाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? सोच रहे हैं ना? नहीं सोच रहे। देखा कितनी गंदी प्रेडिक्शन है मेरी, एग्जाम में भी जो जो मैं सोच कर जाती हूँ ना, वो एग्जामिनर बिल्कुल नहीं डालते। फिर क्या, अरिजीत सिंह के गाने सुनकर दिन काटना पड़ता है।
बढ़ते हैं आगे, बहुत मजाक हो गया। तो मैंने पूछा था कि ये लोग अपनी कंडीशन ठीक करने की ट्राई क्यों नहीं करते। तो ये इसलिए है क्योंकि पहले तो इन लोगों में ना तो कोई लीडर है, ठीक है, इनमें कोई लीडर नहीं है, और ना ही इनमें से किसी के पास हिम्मत है कि वो मिडिल मैन का सामना कर सके। तभी तो ये पुलिस से मार खाने के डर की वजह से कभी अपनी आवाज ही नहीं उठाते। और दूसरी बात ये कि जो पॉलिटिशियंस या शाहूकार वगैरह होते हैं ना, वो इनके लिए कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से ये अपने बरसों से चलते हुए काम को नहीं छोड़ पाते। मुकेश जब अनीस को कहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनकर खुद की एक पहचान बनाएगा, तब अनीस उसे मजाक मजाक में पूछती है कि क्या तुम एक प्लेन भी फ्लाई करना चाहते हो? भाईसाहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मुकेश उदास होकर कहता है कि वो कार के सपने देखने में ही खुश है। अनीस भी क्या मजाकिया नेचर है ना, मतलब कुछ भी बोलती है और दूसरों को तंग करती है, हद है अनीस की। तो इसी बात पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चलो सेलिब्रेट करते हैं। चिरागी निकाली मुन्ना पे डोला अलगला बिलिल चिरागी निकाली मुन्ना। तो आई होप कि आप सबको ये दोनों स्टोरीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ जाना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड अगली वीडियो तक हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, एंड हाँ देखते रहिए द बैक बेंचर्स। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।